Hello student, today I am going to teach you the next lesson of your syllabus. The name of lesson is The Artist, jisko likhne wala hai Siganoya. Siganoya 1883-1971 is a celebrated Japanese shatishori writer of the 20th century. Siganoya ka janm 1883 aur iski mrityu 1971 isvi mein hui. ये एक जापान का प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी 20वीं शताब्दी का राइटर है. ही रोट वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल एंड देयर कल्चर. कहता है कि ये लोगों के बारे में और उसके कल्चर के बारे में बहुत संवेदनशील तरीके से लिखा. द आर्टिस्ट अनफॉल से बिफोर एज द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय से भी. ये आर्टिस्ट जो है जापान के एक टैलेंट बच्चे के कोई टैलेंट को जाहिर करता है जिसका नाम है सेबी. जब पूरी कहानी लाइन बाय लाइन अगले वीडियो में डालेंगे तो उसमें आपको डिटेल से समझ में आएगा. इट शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू सच टैलेंट. कहता है ये दिखाता है कि कैसे एडल्ट लोग बच्चे के टैलेंट को तबाह कर देते हैं. हियर इज द समरी ऑफ द आर्टिस्ट. द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय सिगानोया. ये जो है आर्टिस्ट सिगानोया के द्वारा लिखा गया है. ही इज़ अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ जापान. वेल नोन माने होता प्रसिद्ध. ये जापान का एक प्रसिद्ध राइटर है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, लेखक है. द स्टोरी शोज हाउ एडल्ट क्रश टैलेंट से. ये स्टोरी यानी कहानी दिखाता है कि कैसे एडल्ट टैलेंट को क्रश करते हैं. सेबी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड एंड स्टील एट ए प्राइमरी स्कूल. सेबी 12 साल का लड़का था और वो प्राइमरी स्कूल का ही छात्र था. ही वॉज पेशेंटली इंटरेस्टेड इन गॉड से. पेशेंटली माने होता है दिल से. कहता है कि वो जो है लौकी, गॉड से माने होता है लौकी कद्दू टाइप का, वह उससे दिल से प्यार करता था या रुचि लिया करता था. He always went out the house for God से. वह हमेशा लौकी के लिए घर से बाहर जाया करता था. One day he saw a small God. Bichu was 5 inches long. कहता है कि एक दिन वह एक छोटे से कद्दू को देखा जिसकी लंबाई 5 इंच थी. From that time यानी उस समय से he was never separated from his God. जिस समय वो 5 इंच का कद्दू प्राप्त किया, कहता है कि उस समय से वह अपने आप को उस कद्दू से कहीं अलग कभी अलग नहीं किया. वो जहाँ भी जाता था वो कद्दू को लेके जाता था. सेबी वॉज पॉलिशिंग इट अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम. एक दिन जो है सेबी डेस्क के नीचे क्लास टाइम में कद्दू का पर पॉलिश कर रहा था. हिज टीचर वॉज वेरी एंग्री. उसके शिक्षक बहुत गुस्से में थे. His teacher came to his house for complaint. कहता कि उसके शिक्षक जो है उसके घर आए शिकायत के लिए. His father was also very angry. जब उनके पिताजी ने इस हरकत को कंप्लेंट में आया तो उनके पिता भी उनसे बहुत नाराज थे. He brought a hammer. हैमर माने होता हथौड़ी. Bring a past a brought. कहता है कि वह हथौड़ी को लाया. और टू smash all gods to pieces. और सारे जो कद्दू का कलेक्शन था सारे कद्दू को टुकड़ों में तहस नहस कर दिया. सेबी मेड द गॉड वेरी वर्दी विथ हिज ग्रेट स्किल. सेबी उस कद्दू को अपने स्किल से बहुत वर्दी मतलब वैल्यूबल बना दिया करता था. दस द स्टोरी शोज हाउ द इंटरेस्ट ऑफ सेबी बाद क्रस्ड. कहते ये स्टोरी ये दिखाता है कि कैसे सेबी की रुचि को बर्बाद कर दिया गया, क्रस्ट कर दिया गया. हियर इज द सम ऑब्जेक्टिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आर्टिस्ट. हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिस्ट. आर्टिस्ट को लिखने वाला कौन है, ऑथर यानी लेखक कौन है, तो सिगानोया. सेकंड, सिगानोया इज ए खाली जगह राइटर. तो ये कहाँ का राइटर था, वो जापानीज राइटर था. तीसरा, सेबी वॉज खाली जगह ओल्ड जापानीज बॉय. सेबी कितने साल का था, वो 12 साल का था. चार, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड इज खाली जगह. मतलब 5 इंची का जो कद्दू खरीदा था लौकी
उसका प्राइस क्या था? वो 10 सेन, सेन कहते हैं जापान की मुद्रा को। सेबी रीड से एट खाली जगह स्कूल, मतलब सेबी जो है किस क्लास में था, वो प्राइमरी स्कूल का छात्र था। द पोर्टर सोल्ड द गॉड फोर्ड डैश येन, कहता है पोर्टर जो स्कूल का सेवक होता है, तो वो कद्दू को कितने में बेचा? 50 येन में बेचा। द कोरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फोर डैश येन, कहता है कोरियो डीलर जो कद्दू 50 रुपये में सेवक से लिया था, उसको वो शहर के कलेक्टर से कितने में बेचा? आंसर 6 येन, कितने में? 6 येन में बेचा। द आर्टिस्ट इज ए खाली जगह, ये एक शॉर्ट स्टोरी। 9, व्हाट डिड सेबी अप्लाई टू गेट रेड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, कहता है कि सेबी क्या करता था उस कद्दू के बदबू को दूर करने के लिए, तो कहता है उसमें टी लीव से, उसमें चाय की पत्तियां डाल दिया करता था। 10, हु यूज टू पॉलिश द गॉड अंडर हिज डेस्क इन क्लास टाइम, मतलब क्लास में डेस्क के नीचे कौन पॉलिश किया करता था, तो आंसर सेबी। हु स्मैश्ड सेबीज गॉड से टू पीसेस, सेबी के कद्दू को कौन स्मैश्ड कर दिया, यानी तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, आंसर हिज फादर। हु वॉज स्कोल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर से, कहता है कि सेबी को पेंटिंग करने के लिए भी कौन मना किया। हु वॉज स्कोल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर से, किसको मना किया गया, कौन? तो सेबी। सेबीज हॉबी वॉज कलेक्टिंग ऑफ खाली जगह, सेबी का क्या शौक था, क्या चीज़ का कलेक्टिंग करने का शौक था, तो गॉड से। ओके, हेलो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब से, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। हैव ए नाइस डे, सी यू अगेन, बाय बाय, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।